15 जनवरी को टोंगा देश में एक भयंकर वोल्केनो फूटा। इसे 21वीं सदी का लार्जेस्ट वोल्केनिक इरप्शन बताया जा रहा है। एक छोटा सा देश है पैसिफिक ओशन के बीचों बीच, 170 आइलैंड से बना। थैंकफुली जहां पर यह वोल्केनो फूटा है वो एक्चुअली में एक ऐसा आइलैंड था जहां पर कोई रहता नहीं था और ये एक अंडरसी वोल्केनो था। लेकिन ये वोल्केनो की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि बताया जाता है हिरोशिमा पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा गया था उससे 100 गुना ज्यादा इंटेंसिटी थी इस वोल्केनो की। इससे निकली शॉक वेव्स हजारों किलोमीटर दूर तक गई, जिसकी वजह से जापान और पेरू तक में सुनामी आ गया। पेरू एक साउथ अमेरिका में देश है जहां पर एक बड़े से ऑयल टैंकर को अनलोड किया जा रहा था ऑयल रिफाइनरी पर, जब ये सुनामी आकर लगा, जिसकी वजह से एक भयानक ऑयल स्पिल हो गया। 11,900 बैरल्स ऑफ ऑयल पानी में समुद्र में बिखर गया। ये ना सिर्फ ऑयल की वेस्टेज है बल्कि समुद्र में मौजूद मछलियों के लिए, वहां मौजूद जानवरों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी रीजन से पेरू देश ने 90 दिन की इन्वायरमेंटल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी।